काबू लोगों के अधूरे ख्वाब होते हैं, बेकाबू लोगों के अधूरे ख्वाब होते हैं। खुद पर काबू रखने वाले ही कामयाब होते हैं, खुद पर काबू रखने वाले ही कामयाब होते हैं। आज के इस कंप्यूटर युग में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको इमोशनली बैलेंस होना जरूरी है। डैनियल गोलमैन ने अपनी प्रसिद्ध इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखा है कि 80% हमारी सफलता हमारे इमोशन तय करते हैं। यानी इमोशनल बैलेंस आप है तभी आप सफल हो सकते हैं। रॉबर्ट प्लचिक ने 8 तरह के इमोशन बताए हैं, बेसिकली 8 और भी हैं, लेकिन वो उन्होंने 8 बताया है जो कि बहुत नेट पर पॉपुलर है और आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने रिसर्च से 8 बताया है। पहला क्या है? फियर, एंगर, लव, जॉय, सैडनेस, ट्रस्ट, डिस्गस्ट और इस तरह के एनवी, जेलस, ये सारे मुख्य आपके इमोशंस हैं। कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ इमोशंस निगेटिव होते हैं। इमोशंस पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि आउट ऑफ इमोशन जब भी हमको निर्णय लेते हैं तो अधिकतर गलत होते हैं। यानी हमको इमोशन को बैलेंस करके निर्णय लेना है। तब ये इमोशनली बैलेंस कैसे रहे और सही निर्णय लेके लाइफ में तीस आगे कैसे बढ़े, तो इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, खोजा और जितने तरह के पॉइंट उसको 5 भाग में बांटा है। और आप इन 5 को अगर अपना लेंगे तो मुझे लगता है इमोशनली बैलेंस होंगे और जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका है चेंज योर परसेप्शन। सबसे पहले तो हमें अपना परसेप्शन चेंज करना है। जैसे हमारे दिमाग का एक पॉइंट है हिप्पोकैम्पस, उसे कहते हैं। वो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, अपने जो आगे वाले जो रिएक्शन है उसको याद रखता है, उसको संग्रहित रखता है कि ये इमोशन में ये रिएक्शन। जैसे आप गुस्सा आए, थप्पड़ मार दिए, उसको कहीं ना कहीं रिएक्शन याद है, डरे, भाग गए, वो रिएक्शन उसको याद हो जाता है और ऑटोमेटिक वो रिएक्शन बार बार आप करने लगते हैं। आप बार बार पछताते हैं कि रिएक्शन ठीक नहीं था, फिर वो करते हैं। तो उसको हटाने के लिए आपको छोटे छोटे चीजों में रिएक्शन चेंज करना पड़ेगा, परसेप्शन, उसके प्रति आपका परसेप्शन बदलना पड़ेगा उस सिचुएशन प्रति। जब परसेप्शन बदलेंगे, कहा जाता है कि नजर बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो आपको अपना नजारा बदल, नजर बदलना पड़ेगा वहां पर। तो नजर और नजरिया बदलना है तो परसेप्शन को थोड़ा चेंज कीजिए। जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है उसके प्रति परसेप्शन कि ये क्यों होता है, उसके जो ट्रिगर उसको पहचानने उसका परसेप्शन चेंज। सेकंड, फीलिंग एम्पैथी। आपको एम्पैथी फील करना है। एम्पैथी, लोग सिंपैथी फील करते हैं, एम्पैथी नहीं। दोनों में अंतर क्या है? तो सहानुभूति, समानुभूति। सहानुभूति क्या है? वो बेचारा गलती कर दिया, वो बेचारा ऐसा कर दिया, उसने गुस्सा कर दिया, उसने ये कर दिया, ये सिंपैथी। एम्पैथी क्या है? मेरे से भी ऐसा हो सकता है, मैं भी गलतियां करता हूँ, क्रोध वही नहीं करता, क्रोध मैं भी करता हूँ। जब ये आप फीलिंग कर लेंगे तो दूसरे के प्रति आपका निगेटिव इमोशन कम हो जाएगा, अपने प्रति भी कम होगा कि हम इंसान है, ऐसा करते हैं। एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो दूसरे से होता है वो हमसे भी हो सकता है। उस स्थिति में शायद उस परसेप्शन में भी रहता, उसी तरह मैं भी सोचता तो शायद वही रिएक्शन होता। जब हम इस एम्पैथी में रहेंगे तो हम ज्यादा बेहतर रिएक्ट करेंगे, इमोशंस को ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड है टॉक टू समवन। जब भी आप किसी निगेटिव या पॉजिटिव इमोशन के में फंसे हुए और आपको लगता है इमोशनल इम्बैलेंस आप में आ रहा है, आप अपने टीचर से, ऐसे फ्रेंड से जो इमोशनली बैलेंस रहते हैं, अच्छे फ्रेंड से, अपने गाइड से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, इससे भी आप इमोशनली बैलेंस हो सकते हैं। फोर्थ है फॉरगिव योरसेल्फ फॉर योर इमोशनल मिस्टेक्स। कभी भी इमोशन में आकर आपने कोई मिस्टेक किया है उसके लिए अपने आप को ही माफ कर दीजिए। अब बोले इससे क्या फायदा है? तो रिसर्च ये बताता है कि जो व्यक्ति अपने आप को माफ नहीं कर पाता है वो धीरे धीरे हीन भावना से ग्रसित होने लगता है कि मैं गुस्सा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरा लोभ ईर्ष्या नहीं छूट रहा है। तो ये आपको और ज्यादा पकड़ेगा। जब आप अपने आप को माफ कर देंगे, अरे ऐसा सबके साथ होता है, अब से प्रैक्टिस करना। जैसे अभी मैं बताया 5 पॉइंट, इस 5 पॉइंट में प्रैक्टिस शुरू कर दी कि मुझे कैसे प्रैक्टिस करना है। और आखिरी है फिफ्थ, 5वां है आपका टेक योर टाइम फॉर रिएक्शन। इमोशनल कोई भी रिएक्शन हो उस पर थोड़ा सा टाइम लीजिए। अब ये मैं महान जो ये टीचर कहे जाते हैं और फिलोसोफर गुरुजीव, उनके वक्तव्य के साथ इस बात को खत्म करूंगा। उन्होंने, वो अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे, उन्होंने कहा था कि इमोशन बहुत जरूरी है, लाइफ में इमोशन होना ही चाहिए क्योंकि इमोशन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये इमोशन जब भी आपको करना है तो इमोशन आपके अंदर 2 मिनट या 1 मिनट आपका रिएक्शन रुक के, यानी 10 लंबी गहरी सांस लीजिए उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तो रिएक्शन आपका थोड़ा लेट से होना चाहिए। रिएक्शन लेट से होगा तो हम सही रिएक्ट कर पाएंगे। तो आप सभी रिएक्शन सही करें, हम सब सही रिएक्ट करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही मेरी आशा और आशा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।